सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले पुराने पोल की, जहाँ पे भैया सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि रियलमी रेडमी को भैया सही जो है वो टक्कर दे पा रहा है। तो बोलते हैं आप पे से 85% हाँ जी बिल्कुल बहुत हार्ड, और बाकी बोलते हैं नहीं भाई अभी जो रियलमी है उसकी बात अलग है, रेडमी जो है वो बहुत आगे है। तो यहाँ पर यार दोस्तों बात करें अगर हम आज के पोल की, तो आज का पोल के लिए ही है कि आप मुझे बताइए ऊपर दिए गए पोल में कि भाई ये जो हम रोजाना पोल करते हैं क्या ये आपको एक्साइटिंग, क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मैं दोस्तों बताना जरूर क्या है आपकी राय ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में, और सारी बातों को एक साथ मिलाते हुए मालूम है ना थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाते हुए बस दबाई दीजिए लाइक बटन को। दोस्तों वीडियो भी बड़े आ गए, उससे पहले बताया था आपको आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट की दो गिवअवेज के जो रिजल्ट है वो आपके लिए आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जहां पर आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के वो स्पेशल केस गिवअवे की और साथ में Redmi K20 Pro गिवअवे कॉन्टेस्ट की। और यहां पर दोस्तों आप दोनों ही जो रिजल्ट्स हैं वो देख पाएंगे कल सनडे मसाला में। तो ऐसे में बस कल तक का इंतजार कर लीजिए, 24 घंटे से भी कम का समय है उन रिजल्ट्स को सामने आने का, और ऐसे में देखते हैं कि भाई कौन जीतता है वो स्पेशल केस और साथ में Redmi का K20 Pro। दोस्तों बात करें पहले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे एक ऐसे स्टिकी सेंसर को लेकर, मतलब भैया हम टेक्नोलॉजी को ना मतलब जगह-जगह पे बस लगाए जा रहे हैं, घुसाए जा रहे हैं, ये आपके दोस्तों बॉडी पे चिपक जाएगा। और ऐसे में वायरलेस पावर की मदद से आपके भैया बॉडी के दोस्तों जो भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो ट्रांसमिट करता रहेगा, और ऐसे में भैया आपका क्या हालचाल चल रहा है वो सब चीज़ें ये नोट करता रहेगा। लेकिन ऐसे में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई पावर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कुछ सेल बैटरी चार्जिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पे जो पावर है ये लेने वाला है बिल्कुल वायरलेसली। तो ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। लेकिन फ्यूचर में दोस्तों क्या आप इस तरह के गैजेट्स, इस तरह की मतलब चीज़ें अपनी बॉडी में लगाना या बॉडी से चिपकाना या बॉडी में घुसाना पसंद करेंगे कि नहीं, मुझे बताना जरूर आपकी राय नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे ड्रोन डिलीवरीज को लेके, और यहां पे दोस्तों ड्रोन ने भैया बीट कर दिया एम्बुलेंस को, जहां पे दोस्तों बात कर रहा हूं फर्स्ट एड पहुंचाने की पेशेंट्स तक। और यहां पे दोस्तों ऐसे बिल्कुल एक स्टेज्ड पूरा सीन था जहां पे एक फेक पेशेंट था, और ऐसे में ये एक रेस लगाई गई कि भाई ड्रोन पहले पहुंचता है या एम्बुलेंस। तो ड्रोन जो है वो करीब करीब 2 मिनट पहले पहुंचा एम्बुलेंस से। और यहां पे दोस्तों ऐसे में अगर आपसे बात करता हूं मेडिकल की, तो 2 मिनट का टाइम जो है वो कई बार जीने और मरने के बीच का दोस्तों टाइम निकल जाता है। तो ऐसे में ये काफी अच्छी बात है, क्या पता फ्यूचर में हम ड्रोन्स को भी काम मिले ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिलीवरीज के लिए। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पे रियलमी 5 प्रो को लेके, मतलब भैया कितने अपडेट्स आ रहे हैं रियलमी के लिए, ऐसा लीक, ऐसी बैटरी, ऐसा प्रोसेसर, ऐसी कीमत, और यहां पे दोस्तों फोन भी खैर होंगे काफी कमाल। तो यहां पे रियलमी 5 प्रो जो है वो गीकबेंच पे लीक हुआ है, जहां पे 8 GB की रैम दिख रही है और साथ में स्नैपड्रैगन 710 दिख रहा है। अभी ऐसे में ये है या नहीं है या कुछ और है, सब चीज़ों के लिए आपको उसको करना पड़ेगा इंतजार 20 अगस्त का, जब आपको मिल जाएगी इसी फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले टेक्निकल गुरुजी चैनल पे। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi के 64 मेगापिक्सल वाले फोन को लेके, और यहाँ पे दोस्तों Xiaomi के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये एक वीडियो शेयर किया है जहाँ पे इसी फोन के भैया मैन्युफैक्चरिंग होते हुए दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे ये जो भी आप देख रहे हैं ये है एक स्क्रीनशॉट उसी वीडियो में से, जहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि भैया क्वाड कैमराज है, 3 बीच में और 1 साइड में। तो ये कंफर्म करता है कि जो हमने रेंडर देखा था वो यही इसी फोन का ही रेंडर है, जहां पर दोस्तों बात हो रही है मेरे ख्याल से Redmi के ही Note 8 Pro की, और लगता है कि ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और उसके बाद में शायद हमको आगे जल्दी ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा, जहां पर लगा होगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहां पर कैसे सॉफ्ट एक्सो सूट को लेके, जिसको भैया पहनने के बाद में अगर आपसे बात करता हूं दौड़ने भागने की या चलने फिरने की, तो वो काम आप और काफी आसानी से कर पाएंगे, जहां दोस्तों काफी अच्छा सा सपोर्ट देता है आपकी मसल्स को।
ऐसे में रिसर्च हो रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि भैया कैसे जो चलने फिरने का काम है उसको और सीमलेस बनाया जा सके। तो ऐसे में आप एक्सो सूट पहन लो, उसके बाद में दौड़ना भागना काफी आसान सही हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 प्लस स्मार्टफोन के 45 वॉट चार्जर को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्री ऑर्डर के लिए लिस्ट हुआ है, जहां पे जो कीमत है वो है करीब करीब 49.99 बोले तो $50, यानी कि करीब करीब 3500 रुपए के आसपास। और इसमें दोस्तों 13 सितंबर से मिलने वाले, तो देखते हैं कि इंडिया में किस कीमत पे आता है और कब तक मार्केट में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों साथ में ये AKG के नॉइस कैंसलेशन वाले ईयरफोन्स भी सामने आए हैं। ऑफ कोर्स हमारा प्यारा दुलारा जैक तो रहा नहीं, तो यहां पे है USB-C पोर्ट, इनकी कीमत है करीब करीब $70। देखते हैं आखिर क्या रहता है सीन इन्हीं एक्सेसरीज का। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो भैया जियो फाइबर तो खैर आने वाला है, उससे पहले दोस्तों यहां पे काफी चीजें अप डाउन हो रही है, जहां पे दोस्तों कुछ कीमतें कम हुई हैं। और यहां पे जो है वो हाथवे ने कुछ कीमतें कम कर दी हैं अपने ब्रॉडबैंड प्लान्स की। अब दोस्तों शुरुआती कीमत है वो है ₹699, और ऐसे में आप जानती हैं कि जियो फाइबर जो आने वाला है ₹700 में, तो काफी जो उथल पुथल दोस्तों मचाने वाला है ब्रॉडबैंड की दुनिया में, DTH की दुनिया में। देखते हैं आगे कि हमको क्या मिलते हैं डिटेल्ड प्लान्स, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जितना भी कंपटीशन है उतना डेफिनेटली आप और मेरे जैसे हम सभी कस्टमर्स के लिए काफी अच्छा होने वाला है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, तो फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है आइडियाज, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट को एक आइडिया आता है कि भैया अगर हम बात करें हमारी डेली शॉपिंग नीड्स की, तो उसके लिए काफी एक अच्छी चीज होगी, जहां पे हम बात करें वीडियोस की या हम बात करें मतलब जैसे इंस्टाग्राम जैसे कि सोशल फीड की, अगर हम सभी को भैया मिला जुला के एक चीज सामने बोल दें, तो ये दोस्तों फ्लिपकार्ट का आइडिया, जहां पे आपको काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट वगैरह मिलने वाला है, वहीं से आप सीधा शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। काफी एक यूनिक सा आइडिया है, क्या लगता है आपको इस आइडिया के बारे में, आपका क्या आइडिया है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे Redmi 8 को लेके। अभी ये पता नहीं दोस्तों Redmi 8 है या Redmi Note 8 भी, क्या पता हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों हालांकि 5000 mAh की जो बैटरी है वो लगता है इस फोन में आने वाली है, और यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है ड्यूअल रियर कैमरा, तो लगता है कि शायद Redmi 8 ही होगा, बिकॉज जो Redmi Note 8 है वो शायद और प्रीमियम होगा। और फाइनली Note 8 Pro आएगा 64 MP के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ में। तो यहाँ पे दोस्तों खैर इसका भी एक रेंडर सामने आया है जो बताता है कि भैया फोन कैसा होने वाला है, और ऐसे में अभी Realme हो या Redmi हो काफी इंटरेस्टिंग रेस लगी है। देखते हैं आगे फिनिश लाइन के पास पहले कौन पहुंचता है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है उत्तराखंड पुलिस को लेके, और यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड पुलिस जो है वो भी आ गई है टिकटॉक पे, जिसपे आने के बाद दोस्तों उनका जो मेन मकसद है वो रहेगा लोगों तक सोशल अवेयरनेस जो है उसको पहुंचाना, और ऐसे में लोगों से कनेक्ट करवाना। दोस्तों ये काफी अच्छी बात है कि पुलिस जो है वो भी दोस्तों ऐसे सोशल मीडिया जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उन पे आने के बाद में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो मैं टिकटॉक को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेजोरिटी कंटेंट है आप जानती है वहां पर किस तरह का होता है, मैंने कुछ कुछ देखी है तरह तरह की वीडियोज, लेकिन अच्छा लगता है जब दोस्तों पुलिस हो या अगर दोस्तों कोई अथॉरिटीज हो वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर आने के बाद में लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। दोस्तों बात करें अगले अपडेट की, निकल के आता है यहाँ पे गूगल के पासवर्ड चेकअप टूल को लेके, और यहां पर दोस्तों ये जो चेकअप वाला एक्सटेंशन है ये लगता है कि बहुत जल्दी गूगल क्रोम का ही हिस्सा बन जाएगा, आपको उसी में इनबिल्ट दिखेगा। बिकॉज भैया अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह की, तो सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी, और ऐसे में दोस्तों हमारी पहली जो मतलब प्रायोरिटी है वो यही होना चाहिए कि कैसे हम हमारे अकाउंट को सिक्योर बना पाए। तो ऐसे में गूगल खैर हमारी काफी मदद कर देता है, लेकिन यहाँ पे अभी लगता है कि मदद और बेहतर होने वाली है जब मिल जाएगा यही पासवर्ड चेक वाला एक्सटेंशन डायरेक्टली इनबिल्ट क्रोम में। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने लगे धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों लाइव में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।